जय महाराष्ट्र, मायसेल्फ शिवाजी शिंदे, शूल पिक्चर में देखा था ना, मस्त अभी से सबके शूल चुमा रहा हूँ। घर घर मोदी, राहुल इन मम्मी की गोदी। और एक बात बोलेंगे, हम आपको सबको मौका देते हैं और आपको भी मौका दे रहे हैं। नसीर जी हेलो, अरे ओ मैं फ़ोन क्या कर रहे हैं, बात तो हो रही है, भूल गया था। नसीर जी से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं। देखो फ़ोन भी आ रहा है, उठा रहे हैं नसीर जी, उठा रहे हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमारे को, आपको हमारी आवाज़ आ रही है, ऐसे ही बोलते ना रिपोर्टर लोग। नसीर जी अब बोलोगे भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप भाई? शिंदे साहब बहुत बढ़िया, आपको सुन के बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब आप हमारा खोल करके सुनिए, मतलब अपना कान खोल करके सुनिए, आपको ये बोलेगा कि घबराने की बात नहीं है, हम भी जानते हैं कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसने काम किया है और किसने बैंकॉक जाके आराम किया है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। क्या राहुल बाबा खुद आने वाले थे, लेकिन आदमी जब थका होता है तो आराम करता है, क्या करता है, आराम। आपने भी कभी कभी ना कभी किया होगा, जैसे मैं भी कराने जाता है, अभी वो गए हुए हैं। तो बात देख लीजिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हाथ को प्रमोट करना है, इधर से भी और इधर से भी। हम जानते हैं कि हाथ में आना भूल ही है, लेकिन फिर भी हम प्रमोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है, हमें काम ना करने की आदत जो पड़ गई है, आराम करने की आदत पड़ गई है। अगर मुझे बताइए, सब बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, अरे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बचा ना, क्यों? इसलिए बचा है क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय श्री मोदी जी, वो सब चीज़ कर रहे हैं। अरे भाई, इधर एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देंगे, उधर से कोई बम आ गया पाकिस्तान से तो क्या करेंगे? इसीलिए वो बंदा सब जगह जाल बिछा रहा है, लेकिन हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम क्या करेंगे? इनटॉलरेंस पे बोलेंगे, और किस पे बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलते रहेंगे, जय महाराष्ट्र। ये बताइए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आप आगे क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? कितना अच्छा बोलता हूँ मैं। मैं जब था ना फिल्म में, तब भी अच्छा बोलता था। अब आप बोलिए, आपको भी मौका दिया है। आप पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा। तो देखिए, एक बात तो है कि हम लोग जब पाकिस्तान होकर के आते हैं, तब हमें हिंदुस्तान की अहमियत पता लगती है, और हम लोग तो जाते ही रहते हैं, आपको पता ही है। पर मेरे को अब ऐसा लगता है कि जब से राफेल पे रक्षा मंत्री ने ओम मनाया है, बिस्मिल्लाह किया है, तो हमें डरना चाहिए, डरना चाहिए शिंदे साहब, वरना ये जो राफेल का एक हल्का सा झोंका है, ये हम जैसों की तरफ भी आ सकता है, और वहाँ के तो उजड़ेंगे ही, यहाँ के उजड़े चमन हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपना काम करने में, कि हम वो चीज़ जो फैलाना चाहते हैं वो फैला नहीं पा रहे हैं। कन्हैया कुमार और हम लोग मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये जो उपलब्धियाँ हुई हैं अभी बालाकोट वगैरह की, और ये राफेल जो आ गया है, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और पाकिस्तान की जो हालत की है मोदी जी ने, मोदी जी बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है। नहीं, वैसे भी ज़िंदा रह सकता था, लेकिन बोलना ज़रूरी है, क्योंकि एक बात जान लीजिए आप भी, हम लोगों का मकसद केवल एक ही है कि मैं इनटॉलरेंस को मारना नहीं, उठाना चाहता हूँ, शांति को दबाना नहीं, उठा करके सबके मुंह पे मारना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सभी जगह शांति हो गई तो फिर हमारी कौन पूछेगा, हम कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास तो वैसे ही कोई काम नहीं है। और जहाँ तक बात रही राहुल बाबा की और वाड्रा साहब, बड़े साहब की, तो जहाँ भी रहें कोई इशू नहीं है, बस हमें बता दे रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। बात रही महाराष्ट्र चुनाव की, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार फेर बदल के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, आप हंस भी सकते हैं इस पे। तो मैं यही कह रहा था, फेर बदल ये हो सकता है कि अब की बार राहुल बाबा शायद लंबी छुट्टी पे चले जाएं, क्योंकि भाई कुछ काम ऐसा है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो फिर बेटर यही होगा कि मैं उनसे यही कहूँगा
कि ये स्टूपिड कॉमन मैन आपसे यही कहना चाहता है कि आप छुट्टियां करते रहें और थोड़े दिन बाद मुझे लगता है कि आप भी इसी पार्टी में आ जाएंगे। लॉक कर लो बात को, आप भी काम करोगे इसी पार्टी में और मैं भी काम करूंगा, लेकिन जब तक इस पार्टी में है तब तक बोलना जरूरी है। जय महाराष्ट्र।